एक माँ अपने बेटे को, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद दिलाए कि मैं कौन हूं, ऐसी स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए। मैं तुम्हारा सलीम हूं, इस बात का प्रूफ मेरे पास कुछ नहीं है अनार, बस ये मेरा प्यार ही है। आइंदा मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा। जब तुम्हारा प्यार ही मेरे पास नहीं है तो जिंदगी बेकार है। प्यार जीने की आस जगाता है तो मरने की हिम्मत भी देता है, याद रखना अनार। अगर मेरी जिंदगी में तुम्हारा प्यार नहीं तो मुझे जीने की इच्छा भी नहीं। अगर मेरा अगला जन्म हुआ तो हे मेरे प्यार के देवता, मेरी अनार को मैं याद आऊं ऐसा कुछ करना। बंसी, लड़की के लिए दीवार फांदते देखा है, पाइप के ऊपर चढ़ते देखा है, ये शरीर जलाने का नया आइडिया कहाँ से निकाल दिया? मैं समझा नहीं आपको क्या कमी है। र बोले रंबा, सब बोले तो सौंदर्य, क से काजोल, तुम हाँ तो बोलो तुम्हारे सामने लड़कियों की लाइन खड़ी हो जाएगी। और ऐसे में तुम एक ऐसी पागल लड़की के पीछे पड़े हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अनारकली हूँ या नहीं ये मुझे पता नहीं, तुम सलीम हो या नहीं ये भी नहीं जानती, पर तुमसे ज्यादा सच्चा प्रेमी कोई भी नहीं हो सकता बंसी। आई लव यू। सहगल के लिए पोस्ट। किसका है? सहगल के लिए चिट्ठी है, सीके सहगल, चिरंजीव कुमार सहगल। चिरंजीव कुमार सहगल, वो तो मैं ही हूँ। तो लीजिए ना। तो दे दो ना, कमाल है, बात करता है। वाह रे सहगल, तुझे भी शादी के कार्ड आने लगे, तेरा भी वक्त आ गया है, लगता है अब तू भी बड़ा आदमी बन गया है। ओ माय गॉड, नो, मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता है, नेवर। आप लोग जाकर खड़ा खा लीजिए। क्यों, क्या समझ लिया था? तेरी इतनी हिम्मत, वो तुम्हारे खानदान की निशानी है। अभी मैं बाटा से, मेरे जूते का नाम है रे। मेरी बेटी की जिंदगी में तूने आग लगा दी टकले। फिक्र मत करो सासू जी, मेरा जो बेटा होगा उसी से तुम्हारी चिता को आग लगवाऊंगा। कौन है रे? छोड़ो मुझे। मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं अगर चाहूं ना तो तुम लोगों को कपड़े की तरह धोकर यूं भाग सकता हूं। मैं क्यों नहीं भाग रहा हूं तुम लोगों को पता है? मेरी रोजा एक न एक दिन मेरे प्यार को जरूर समझेगी, मेरी दीवानी होकर मेरे पास आ जाएगी और मुझसे माफी मांगेगी। बड़े बड़े गुंडे भी हमारे सामने इस तरह से बात नहीं करते, तू क्या उनसे बड़ा है? सर, आप मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा बेशक पकड़ लीजिए, लेकिन मेरे बाल को पकड़ने की हिमाकत मत कीजिए, छोड़ दीजिए। खुद को हीरो समझता है, भागते हुए आकर उस लड़की के गले में मांगलसूत्र क्यों बांधा? इसलिए कि वो मेरी धर्म पत्नी बने। पर इतने स्पीड में आने की क्या जरूरत थी तुझे, बता। बदला सर, बदला। बदले की वजह बाल। बाल? यस,
यस सर। मेरे सर के बाल को देखिए सर। तेरे सर पे तो बाल ही नहीं है। ये तो आज की बात है सर, पर एक साल पहले मेरे सिर पर बाल ही बाल थे। चाहिए तो आप एक बार मेरा फ्लैशबैक देख लीजिए सर। सर एक जमाना था जब हमारे सर पर एकदम घने बाल हुआ करते थे। मैं हीरो की तरह दिखता था। यही नहीं, मेरे गांव में तो मेरे दादाजी की भी चर्चा हुआ करती थी। उनकी 70 साल की उम्र में भी एक भी बाल नहीं उड़े थे। उनके बालों की चर्चा आसपास के गांव में थी। उन्हें बालों का देवता मानते थे। सारे टकले उनके बालों की पूजा करते थे। उनको यकीन था कि उनकी पूजा से उनके सिर पर फिर से बाल उग जाएंगे। मेरे और दादा के बीच बहुत प्यार था। मैं उनके सफेद बालों से प्रेम करता था और वो मेरे काले बालों से प्यार करते थे। और हम दोनों ही एक दूसरे के बालों को सजाते थे, संवारते थे। और एक दिन मेरे दादाजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और वो लड़की रोजा मेरे घुंघराले बालों की दीवानी हो गई। अगले हफ्ते मेरी शादी थी। शादी के कार्ड भी छपवाने को दे दिए गए। शादी के कार्ड भी छप कर आ गए। मैं मन ही मन बहुत खुश था। लेकिन तभी मेरे दादाजी मर गए। दादाजी के मौत के सदमे से मैं पागल सा हो गया। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं उनकी याद में रोता गया। मैं उनके बगैर बिल्कुल अकेला सा हो गया। मैं उनकी समाधि के पास बैठा हमेशा रोता रहता था। और उसके बाद एक एक करके मेरे सारे बाल उड़ते चले गए, उड़ते चले गए। वक्त गुजरता गया और मेरे सिर के सारे बाल उड़ गए। और एक दिन अचानक मेरे सास ससुर और मेरे होने वाली पत्नी मेरे घर पर आए। मैंने सोचा मेरी शादी के फिर से मुहूर्त निकालने के लिए आए हैं, पर ससुर ने कहा यह शादी नहीं हो सकती। मैं शौक में आका वजह पूछा। मेरी सास ने कहा मेरी बेटी टकले से शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर मैं और शौक डूब गया। मैंने कहा शराबी जुआरी को इनकार कर सकती है, लेकिन टकले को इनकार क्यों कर रही है? ये कहाँ का इंसाफ है? मैं रोया, गिड़गिड़ाया, पाँव पकड़ा। लेकिन अगर आदमी दुबला हो गया हो तो वो मोटा हो सकता है, अगर मोटा हो गया हो तो दुबला हो सकता है, पर इस टकले का कोई इलाज नहीं है। पर टकला आदमी नालायक तो नहीं होता ना? करेक्ट है टकले। मेरी बेटी का मानना है कि टकले के सर पर सहरा नहीं टिकेगा, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अगर ऐसी बात है सर तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं सर। मेरी बेटी ने तुम्हारे घुंघराले बाल देख के पसंद किया था। मेरी प्यारी रोजा, घर संसार बालों से नहीं बसते हैं, दिल से बसा करते हैं। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो चेहरा वहरा नहीं देखते हैं। अगर तुम्हें बालों से इतना ही प्यार है तो मैं एक अच्छा सा विक ले लूंगा। I'm sorry, कूली से कर लूंगी, ड्राइवर से भी शादी कर लूंगी, लंगड़े से भी शादी कर लूंगी, पर टकले से कभी नहीं। मम्मी चलो। रोजा 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 ऐसे मत जाओ छोड़ के। अरे अब मेरा क्या होगा? ये कहाँ का न्याय है? बस कर। सर आपका भी तो यही हाल है, एकदम सपाट सड़क है। सर आपके टकले को देखकर आपकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा, चुपचाप बाजू वाले के साथ भाग। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी माय बॉय, वो घमंडी लड़की को लेकर आऊंगा और तुम्हारा घर संसार बनाऊंगा। दिस इज माय प्रॉमिस। सर मैं इनके ससुराल गया हुआ था सर, वहाँ ताला लगा हुआ है सर। ताला लगा है? हाँ सर, कोई टकला उनकी बेटी के गले में मंगलसूत्र डाल गया और उनके सम्मान को सह न सके और किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। और इस हादसे के बाद पूरी फैमिली सिंगापुर चली गई सर। अरे थैंक यू। सिंगापुर चले गए हैं ये सोचकर ये टकला इन्हें भूल जाएगा। और उस रोजा की शादी मैं किसी सेकंड हैंड पागल से करवा दूंगा और उसके बाद उसकी छोटी बहन से मैं शादी कर लूंगा। आहा।